नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सीरीज टेस्ट बहुत ही प्यारा टॉपिक, और लेकिन आप सबका एक सवाल रहता है इस बारे में कि सर सारे के सारे क्वेश्चन हल नहीं हो पाते, सोल्व करते जाते हैं टाइम ज़्यादा लग जाता है, कई बार लॉजिक ही नहीं मिल पाता। और इन सब तमाम समस्याओं का समाधान आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। आपको लास्ट तक देखना है, हर एक पॉइंट को नोट डाउन करना है, और जो चीज़ें जो डायग्राम में आपको अवेलेबल करवाऊँ उनके स्क्रीनशॉट जो है वो हमेशा यहाँ रखने हैं, गैलरी में तो आपके सेव होंगे ही होंगे। तो चलो विद्वान लोगों, बात करें सीरीज टेस्ट की। तो सीरीज टेस्ट जो है वो आपका किस किस तरीके से जो है वो आपका डिफाइन होता है। तो देखिए जी, सीरीज जो है वो आपका दो टाइप से बन सकता है, या तो आपके नंबर पर बेस्ड जो है वो सीरीज टेस्ट आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, या फिर लेटर के बेस्ड पर, यानी कि अक्षरों पर आधारित, या तो संख्याओं पर या लेटर पर। तो सबसे पहले हम डील करने वाले हैं विद्वान लोगों, नंबर बेस्ड जो सीरीज टेस्ट होता है उसको डील कैसे करते हैं। और उसके लिए मैंने एक प्यारा सा डायग्राम जो है वो आपका यहाँ पर बनाया। यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम को देख लोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें समझ आएगी कि यार स्मॉलर वैल्यू के नीचे केवल तीन चीज़ लिखी गई है, डिफरेंस, डिफरेंस का डिफरेंस या स्पेशल सीरीज। अगर बिगर वैल्यू है तो मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर, डिवीजन या फिर आपका क्यूब। ये आपका किस तरीके से देखेंगे यार, देखो बात सिर्फ इतनी सी है कि जब आप किसी भी सीरीज की तरफ देखें और अगर देख के उसके लॉजिक का पता लगा पाए ना, वही आपका कमाल है, बाकी सब पानी कम। भैया बात सिर्फ इतनी है कि जब वैल्यू छोटी छोटी हो रही हो, मतलब धीरे धीरे बढ़ रही हो, धीरे 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 धीरे, ऐसा नहीं है कि एकदम से बाउंस कर रही है वैल्यू, मतलब 2, 4, 8, 178 हो गए, 4095 हो गए, ये बिगर वैल्यू हो गई, या फिर 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे धीरे 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 वैल्यू बढ़ रही है, तो वहाँ पर स्मॉलर वैल्यू के लॉजिक लगाएंगे, और जब वैल्यू एकदम से बाउंस कर जाए तो वहाँ पर बिगर वैल्यू के लॉजिक जो है वो अपन लगाएंगे। तो विद्वान लोगों, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पर अगर आप देखोगे तो दो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पर 3, 4, 8, 17, 33, ये बताओ कहीं पर भी संख्याएं एकदम से बाउंस करी क्या? नहीं करी ना, एकदम छोटी छोटी संख्याएं जो है वो पास पास की चल रही हैं। अब छोटी बड़ी का कैसे यार, 100-150 तक के डिफरेंस आप आराम के साथ में ले सकते हो, तो वो सब डिफरेंस में आ जाएगा, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो 4 से 20 तो ठीक है, 120 भी चलो मैं डिफरेंस ले लूँ, 840 हो गया सीधा ही। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो आपकी किसकी बनी है, बिगर वैल्यू के लॉजिक लगाने पड़ेंगे, और यहाँ पर जो लॉजिक लगाने पड़ेंगे वो अपने को स्मॉलर वैल्यू के लॉजिक जो है वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। किस तरीके से करते हैं, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर जिसमें दिया गया 11, 13, 16, 21, 28 और 39, आगे दिया गया क्वेश्चन मार्क। मैंने इसको देखा एग्जाम में आया, दिमाग लगा वैल्यू छोटी छोटी है, सारी वैल्यू तो पास की है यार, अगर पास की है तो भैया क्या लगाएंगे स्मॉलर वैल्यू के लॉजिक, सबसे पहले क्या लेना है, डिफरेंस, इन संख्याओं का अंतर लेना है। यहां पर ये हुआ आपका 11 और 13 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का, 13 और 16 के बीच में 3 का अंतर है, यहां पर अंतर जो है वो आपका 5 का है, यहां पे डिफरेंस 7 का बना है और यहां पर 11 का, 2, 3, 5, 7, 11, क्या समझ आ गया क्या? अगर नहीं समझ आता है कोई लॉजिक तो उसका भी डिफरेंस ले लेना, लेकिन ये बताओ 2, 3, 5, 7, 11 आपको समझ आएगा, समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर। विद्वान लोगों याद रखो प्राइम नंबर, बहुत ज़्यादा सीरीज में चीज़ें मैं आपको याद नहीं करवाने वाला हूँ और ना ही रीजनिंग में याद करवाने वाला हूँ, तो कम से कम प्राइम नंबर तो आपको पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिनमें खुद का या एक का डिवाइड होता है, जैसे कि कौन कौन सी होगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 29, 31, 33, 37, 43, 47, 47, इस तरीके से याद होना चाहिए, मज़ा तभी है भाई, ठीक है जी। अच्छा मैं बार बार एक चीज़ कहूँगा कि यार यहाँ पर कुछ देख लो कि स्पेशल है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस का डिफरेंस ले लेते हैं तो स्पेशल सीरीज बनती है। अब स्पेशल नंबर ना, मैंने बार बार आपको हर जब भी कभी स्पेशल नंबर की बात होती है तो मैं बात करता ही हूँ, मिसिंग नंबर में भी मैंने बात करी थी, या तो वो आपका स्क्वायर हो सकता है या क्यूब हो सकता है या प्राइम नंबर हो सकता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, इसके बाद में आगे कौन सा आएगा, 13 आएगा, अगर आप 13 इसमें अगर आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 52, और 52 आपको कहाँ पर मिलेगा, ऑप्शन बी के अंदर मिलेगा, ऑप्शन बी जो है वो अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो आपका हो जाएगा।
आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चों, आगे किस तरीके का क्वेश्चन जो है वो अपने को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दो अपने को क्या कहता है, यहां पर 2, 12, 30, 90, 132 कोई नंबर कोई बहुत बाउंस हुए क्या? अब बाउंस का कैसे पता लगता है यार, किसी भी लास्ट नंबर आप देखो, लास्ट के दो नंबर अगर आप देखोगे 90 से 132, अगर कोई मल्टीप्लाई का लॉजिक होता, एक चीज समझो आप, अगर मल्टीप्लाई का लॉजिक कम से कम दो से तो मल्टीप्लाई करते ही करते आप भाई, एक से मल्टीप्लाई करने पे तो वहीं का वहीं नंबर आ जाता, अब कम से कम दो से कर रहे हो तो 180 जाता, 132 थोड़ी ना रहता, तो मतलब हमें डिफरेंस जो लगाना था वो स्मॉलर वैल्यू वाला जो लॉजिक जो है वो लगाना था, डिफरेंस से अपना काम बन जाएगा। चलो डिफरेंस लगा के देख लो यार, यहाँ पे डिफरेंस जो है वो आपका कितने का बन रहा है, 10 का डिफरेंस है, और यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 18 का है, और यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 90-40 यानी कि 42 का है, 10 और 8 कितने हो गए, 18 जो है विद्वान लोगों आपके हो चुके हैं। अब आगे देखो, आगे किस तरीके से करोगे ताकि क्वेश्चन का आंसर जो है वो अपना बिल्कुल करेक्ट जो है वो आपका आ जाए, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते, आगे अपने को क्या कहा गया, 10 हो गए, 18 हो गए, और यहाँ पर कितना ऐड करें कि आगे यहाँ पर वैल्यू जो है वो चलती जाए, 10 और 8 18 और 8 कितने हो जाएंगे, 26, मतलब अगर मैं इसमें 26 ऐड कर दूं तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो आपका कितने का आएगा, 34 का, और 34 और 8 कितने होंगे, 42। सबके अंदर 8-8 नंबर जो है वो बढ़ सकते हैं, एक हमने रेंडम ट्राई जो है वो कर रहे हैं, तो 10 और 8 हो जाएंगे 18, तो यहाँ पर कितने बनेंगे, 30 में अगर 26 जोड़ोगे तो आपका कितना बनेगा, 56 बनेगा, 56 और 90 का डिफरेंस आपका 34 का, आगे 42 का हो गया, आंसर कितना हो गया, 56, ऑप्शन बी से। अब यही वाला क्वेश्चन जो है वो आपका किसी और तरीके से भी हो सकता था, दूसरा तरीका क्या है यार, जब कोई चीज़ें जो बनती है ना वो देखिए आप, स्क्वायर अगर आपके चलते हैं लगातार, स्क्वायर जब चलते हैं ना, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इनका डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस की फॉर्म में आएगा, क्योंकि सब कुछ चीज़ें डिफरेंस की फॉर्म में बनती है। 21 का पहाड़ा बोलो, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 63, 61 84, 81 105, 21 126, सब में 21 का डिफरेंस है ना यार, ये सब डिफरेंस की फॉर्म है। तो यहाँ पर देखो आप, ये ए 2 है वो आप स्पेशल बना सकते हो क्या, बिल्कुल बन सकता है, ये आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो आपका कितना आएगा, 2 आएगा, ये आपका 3 का स्क्वायर प्लस 3 है तो आपका कितना हो गया, 12 हो गया, ये आपका 5 का स्क्वायर प्लस 5 करोगे तो आपका कितना बन गया, 30, फिर 7 का स्क्वायर प्लस 7 करोगे तो आपका कितना बन जाएगा, 56 बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है जी। तो 1 का, 3 का, 5 का, 7 का, आगे 9 का स्क्वायर प्लस 9 है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो आगे जो है विद्वान लोगों आपका कितना बन रहा है, 11 का स्क्वायर प्लस 11 यानी कि आपका कितना बन गया, 132, वैसे भी आपका 56 आ रहा है, ऐसे भी 56 आ रहा है, तो मतलब डिफरेंस का लॉजिक अपने आप में कमाल का है, 80% क्वेश्चन आप डिफरेंस से उड़ा सकते हो आप, ठीक है जी, आराम के साथ में, ठीक है जी विद्वान लोगों। लेकिन अगर बैंकिंग एग्जाम में आता है तो ये रेशियो उल्टा हो जाता है, 80% आपके मल्टीप्लाई वगैरह के लॉजिक में से जो है वो बनते हैं। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं और आगे क्वेश्चन जो है वो ओपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्या कहता है, यहाँ पे देखो 5, 16, 38, 71 तक ही हुए, ऑप्शन देखो 111, 113, 115, 117, पास के ही तो नंबर है, 71 से 111, 113 का डिफरेंस तो आप आराम के साथ में ले सकते हो, ऐसा तो है ना कि बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ, मेरे को 100-150 तक का डिफरेंस आप ले ही सकते हो, नंबर छोटे हैं, सबसे पहले अपने को क्या लगाना है, डिफरेंस लगाना है, बस बस इतना सा काम करना है। यहाँ पर क्या करोगे, 5 से 16, अगर 5 से 16 का डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर डिफरेंस जो है वो आपका कितने का आया, 11 का आया, ये वाला डिफरेंस जो बना है ना विद्वान लोगों, ये आपका कितने का बना है, 22 का बना है, अच्छा जी, और ये डिफरेंस जो है वो आपका कितने का बन गया, 33 का, 11 दूनी 22, 11 3 33, आगे क्या आएगा, 11 4 44, अगर आप इसमें 44 ऐड कर दोगे तो आपका कितना बना, 115 आपको ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विद्वान लोगों, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखो 7, 9, 14, 23, 37 और 57, क्या नंबर छोटे हैं, बिल्कुल नंबर छोटे हैं, जब नंबर छोटे होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम एक ही काम करते हैं, वो करते हैं डिफरेंस। चलिए जी डिफरेंस लेते हैं, तो यहाँ पर 7 और 9 का डिफरेंस जो बनेगा वो आपका 2 बनेगा, यहाँ पे 9 और 14 का डिफरेंस जो बना वो 5 बना है, यहाँ पे 14 और 9 हो जाएंगे 23, यहाँ पर 23, और अगर 37 की मैं बात करूँगा तो वो आपका डिफरेंस कितना बन जाएगा, 14 का डिफरेंस बन जाएगा, और यहाँ पे 37 और 57 का डिफरेंस देखूं तो आपका बन गया 20। ट्राई आपको सबसे पहले यही करना है यार कि जो आपका डिफरेंस आया ना उसको समझ लो। अब डिफरेंस में ऐसा तो है नहीं, समझने के लिए क्या होता है, देखिए
कि या तो वो आपके कहीं प्राइम नंबर हो सकते हैं या स्क्वायर की सीरीज जो है वो बना सकता है डिफरेंस के अंदर, या क्यूब की सीरीज बना सकता है जो कि ना तो प्राइम नंबर लग रहे हैं क्योंकि 20 आपका प्राइम नंबर नहीं, 14 नहीं है, स्क्वायर किसी की है नहीं, क्यूब है किसी की है नहीं, तो डिफरेंस से नहीं आता है। तो दूसरा काम क्या करना है, डिफरेंस का भी अपने को क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। चलिए तो डिफरेंस का डिफरेंस लेते हैं, तो यहाँ पर 2 और 5 में डिफरेंस जो है वो आपका कितने का है, 3 का। यहाँ पे डिफरेंस जो है वो आपका कितने का है, 4 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 5 का। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 6 का। 3, 4, 5, 6, आगे कितने का डिफरेंस बनेगा, 7 का। लेकिन 7 सीधा 57 में नहीं ऐड करना है, इस बात का ख्याल रखें आप। 7 सबसे पहले ऐड किस में होगा, 20 में। 20 + 7 हो जाएंगे 27, और इसमें 27 अगर आप ऐड कर दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 84, जो कि आपको कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन बी के अंदर दिया गया। तो ऑप्शन बी अपना आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में, इसी तरीके से अपने को रखना है, क्योंकि अगर आप सीरीज को देखकर अगर आप नंबर पता कर पाते हैं, अगर आप लॉजिक पता कर पाते हैं, तो इससे बेहतर बात सीरीज वाले टॉपिक के लिए तो कुछ भी नहीं हो सकती। आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 अपने को क्या कहता है, यहाँ पे एक चीज देखो, 80 का डबल भी करते हो, मैं क्या कह रहा हूँ कि लास्ट नंबर का अगर मल्टीप्लाई बाय 2 भी करते हो, कम से कम जो कि करना पड़ेगा, तो 160 जाता है, 160 तो ऑप्शन में भी नहीं है। मतलब वो चाहता ही यही है कि आप डिफरेंस ले लो, भाई साहब डिफरेंस से काम खत्म करो, आगे अपने को कुछ चाहिए नहीं। तो चलो जी, यहाँ पे जो है वो डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस किस तरीके से होगा कि यहाँ पे अगर मैं करूँ कि 2 से 15 है, अब 2 से 15 का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डिफरेंस जो बनेगा वो आपका कितने का बनेगा, वो आपका बनेगा 13 का। ठीक है जी, यहाँ पे डिफरेंस जो है विद्वान लोगों वो आपका कितने का है, 26 का, क्योंकि 26 और 15 हो जाते हैं 41। तो इसी प्रकार यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितने का गैप है, 39 का। क्या ये आपको डिफरेंस समझ नहीं आया क्या, बिल्कुल आ गया। 13, 26, 39, 13 की टेबल चल रही है, तो आगे कितने का होगा, 52 का हो जाएगा, 52 का। और 52 अगर मैं 80 में जोड़ देता हूँ तो ये आपका कितना बनेगा, 132 आपको मिल जाएगा ऑप्शन सी के अंदर। ऑप्शन सी अपना आंसर करेक्ट, एकदम एक्यूरेट अपना आंसर। आगे बढ़ जाएंगे अपन, ठीक है साहब। करना क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन को पोज कर लो यार, और स्क्रीन को पोज करके आंसर करने की कोशिश करो। टाइम भी देखो आपको कितना टाइम लग रहा है। अच्छा जी, जो लॉजिक मैंने आपको बताया कि छोटे नंबर हैं तो डिफरेंस ट्राई करेंगे, यहाँ पे नंबर तो एक्चुअल में ही छोटे हैं। अब एक्चुअल में ही छोटे नंबर हैं तो हम सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस से नहीं होता है तो डिफरेंस का भी डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है जी, मतलब अगर वहाँ पर भी नहीं आया डबल डिफरेंस लेने के बाद में भी, तो क्या करेंगे, वो सीरीज जो है ना वही स्पेशल है, उसी में कुछ जो है वो जुगाड़ करा गया है। ये तीनों पैटर्न जो है वो यहाँ पर अप्लाई होंगे, तीनों चीज़ें जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले मैं डिफरेंस देखूँ तो 23 और 31 के अंदर डिफरेंस जो है वो 8 का है, यहाँ पे जो है वो डिफरेंस जो है वो आपका 10 का है, और यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 6 का। 8, 10 अगर 12 होता तो अपन चला देते कि आगे 14 का डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर नंबर 3 ही है। अच्छा जी, डिफरेंस तो समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये तो स्पेशल तो है नहीं, कोई प्राइम नंबर भी नहीं, क्यूब भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंस का डिफरेंस लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 3 ही जब नंबर होते हैं तो वहाँ डिफरेंस का डिफरेंस मत लो आप चाहे, क्योंकि आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। जैसे कि मान लो यहाँ पर आपका प्लस का 2 हुआ है और यहाँ पे माइनस का 4 हुआ है, आगे जो है वो प्लस का 8 भी हो सकता है, प्लस का 6 भी हो सकता है, क्योंकि 2, 4, 6 भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, कोई मतलब वाली बात जो है वो रहेगी नहीं। तो ना तो आपका किससे हुआ, ये वाला क्वेश्चन डिफरेंस से हुआ, ना ही फिर डिफरेंस का भी डिफरेंस लिया तो उससे हुआ। अब तीसरा काम जो है वो अगर आप देखेंगे जो मैंने डायग्राम आपको बताया था उसके अंदर क्या था, सीरीज स्पेशल हो सकती है, कि यानी कि वो जो सीरीज आपको दी गई है ना वहीं आपकी जो है वो स्पेशल है। तो चलिए स्पेशल सीरीज का लॉजिक जो है वो यहाँ पर लगाते हैं और इन नंबर्स को देखते हैं। सबसे पहले आप नंबर को ये देखिए, उनको टुकड़ों में विभाजित करिए, किस में, कि या तो वो स्क्वायर है कि क्यूब है कि प्राइम नंबर है। यहाँ पर देखोगे तो ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन ये लगातार आने वाले प्राइम नंबर बिल्कुल भी नहीं है, ये एकांतर क्रम में लिखे गए, अल्टरनेट लिखे गए, एक एक छोड़ कर लिखे गए, क्योंकि 23 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर आता है, 29 आता है, वो छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, 31 लिख दिया, 31 के बाद में क्या आता है, 37 छोड़ दिया, 41 आ गया, इसके बाद में 43 हो गया, तो वो आपका क्या हो गया, छोड़ दिया। इसके बाद में 47 के बाद में आपका कौन सा आएगा, 53 आएगा, 53 आएगा, उसको छोड़ देगा। तो इसके बाद में आगे वाला कौन सा नंबर होता है प्राइम नंबर, वो आपका 59 होता है, यानी कि ऑप्शन बी। मतलब ये सीरीज जो बनी है विद्वान लोगों, ये किसकी बनी है, प्राइम नंबर की जो है वो आपकी सीरीज थी।
तो अगर आपके पास में एक अप्रोच होती है ना, एक प्रोसेस होती है, तो उससे आप क्वेश्चन जो है वो जल्दी कर पाते हैं, आराम के साथ में कर पाते हैं। मेरा कहने का और सीधा सीधा मतलब जो है वो यही है, समझ में आ रहा होगा। अब पूरी इमेज जो है वो क्लियर भी हो रही होगी, और इमेज क्लियर होना लॉजिक के बारे में, देखिए अगर मैं आपको ना रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ ना, तो एक बात में आप श्योर हो जाइए कि आप लॉजिक के मामले में कभी नहीं अटकने वाले हो। ये मेरा हमेशा से जो है वो ध्येय रहा है कि कम से कम लॉजिक के मामले में, सोचने के मामले में, लॉजिक बनाने के मामले में बच्चा, मुझसे पढ़ा हुआ बच्चा जो है वो स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। इस बात का जो है वो मैं बिल्कुल ख्याल रखता हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। अच्छा जी, नंबर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, लेकिन है तो डिफरेंस ही आपका, अंतर ही तो है, वो आपका माइनस की फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि नंबर इतने बड़े नहीं है, और यहाँ पे भी देखोगे तो छोटे ही नंबर है। मतलब हमें यहाँ पर डिफरेंस से काम चला लेना है, और डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे अगर आप नहीं कर पा रहे तो यहाँ से ले लो, यहाँ पे डिफरेंस देखोगे ना तो कितने का डिफरेंस है ये आप देखो। यहाँ पे 25 और 11 का डिफरेंस जो है वो आपका किसका है, माइनस 14 का डिफरेंस है। यहाँ पे जो है वो आपका कितने का है, अगर मैं कर दूं तो 21 का डिफरेंस है बिल्कुल। तो ये फिर आपका पक्का जो है वो 28 का डिफरेंस है, और ये आपका किसका डिफरेंस हो गया, 35 का हो गया। क्या ये डिफरेंस जो है वो आप पहचान में पा रहे हो गया, 35, 28, 21, 14, 7, 7 की टेबल चल रही है कि नहीं चल रही, बिल्कुल चल रही है। तो 35 हो गया, 28, 21, 7 दूनी 14, तो 7 एकम 7, माइनस 7 करना पड़ेगा, माइनस 7 कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 आपको कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन डी के अंदर दिया गया, आराम से के साथ में टिक करा, आंसर आ गया, काम हो गया जी खत्म अपना। देख लो जी, आसान टॉपिक है, इसको टिपिकल बनाने की जरूरत ही नहीं है, और जितना इसको छोटा कर सकते हैं, जितना इसको इजी कर सकते हैं, उतना अपना फायदा है। मैं इसमें आपको इतने टिपिकल क्वेश्चन करवा दूं, कुछ भी लॉजिक लगा दूं, तो किससे क्या होना है। हम अगर इसी प्रोसेस से चलेंगे ना, चाहे वो कितना भी टिपिकल क्वेश्चन हो, हम हर तरीके के पैटर्न जो है वो काम में ले रहे हैं ऑलरेडी, मैं आपको बता ही रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो अपने को क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, नंबर तो छोटे छोटे हैं भाई साहब। अब देखो, अगर हमने जो डायग्राम बनाया था ना, उसका यूज कितना है इस वाले क्वेश्चन में, आपको पता लगेगा भाई साहब। ठीक है जी, आओ यहां पर 1 से 2 का डिफरेंस देखो, तो यहां पर डिफरेंस बना आपका 1, यहां पर बना 2, यहां पर बना 2, यहां पर बना 4, यहां पर बना 2। क्या ये डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या, 1, 2, 2, 4, 2 नहीं आ रहा समझ में। सर डिफरेंस का डिफरेंस ले लेते हैं, अगर डिफरेंस से नहीं हो रहा, चलो भाई आपकी मान भी लें बात कि चलो भैया अपने को डिफरेंस से डिफरेंस लेना है तो ले लो। यहाँ पे आपका कितना बना 1, यहाँ पे बना कितना 0, यहाँ पे बना 2, यहाँ पे बना -2। क्या ये समझ में आया क्या, नहीं आया ना, तो डिफरेंस से हुआ ना ही डिफरेंस से हुआ। अब डिफरेंस के डिफरेंस से नहीं हुआ तो सीरीज ही जो है वो आपकी स्पेशल है। अब स्पेशल अगर आपकी होती है ना, तो कई तरीके से स्पेशल जो है वो आपकी हो सकती है। स्पेशल होने का सेंस है कि आपस में सबका प्लस हो रखा होगा, जैसे कि कैसे 1, 2, 3, 1+2 करके 3 लिखा गया होगा, 3+2 करके आगे 5 लिखा गया होगा, इस तरीके से लिखा हो गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा तो नहीं है। देखो स्पेशल का मतलब, सबसे पहले अपन देखो स्क्वायर देखो, ठीक है जी। स्क्वायर अगर मैं देखने जाऊँ यहाँ पर कि किसी भी संख्या का स्क्वायर है क्या, तो देखो जी 2 का स्क्वायर ये मिल सकता है, इसके अलावा तो स्क्वायर भी नहीं है यहाँ पर। चलो जी स्क्वायर के आसपास की संख्या है, बट स्क्वायर के आसपास की संख्या किसी लॉजिक की फॉर्म में तो है नहीं। जैसे कि आपका 12 जो बनता है वो 4 का स्क्वायर -4 हो सकता है, ये 3 का स्क्वायर +1 है, ये 2 का स्क्वायर +2 है, ये आपका 2 का स्क्वायर है, तो कुछ अजीब सा ही हो रहा है। मतलब ये तो नहीं समझ में आ रहा, क्यूब तो अपने बन ही नहीं रहे हैं, इतने तो क्यूब किसी के आसपास होते नहीं है, क्योंकि 1, 2, 3 का ही क्यूब आपका 27 चला जाता है, यहाँ तो 12 पे जाके गाड़ी खत्म हो गई। अच्छा जी आगे बढ़ जाए, स्क्वायर भी नहीं है, क्यूब भी नहीं है, क्या प्राइम नंबर है क्या। देखिए प्राइम नंबर तो होते हैं वो 2 से स्टार्ट होंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 37, 41, 47, 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
आसपास की संख्या है, अगर स्क्वायर के आसपास की संख्या जो होती है वो भी आपकी क्या होती है, स्पेशल होती है। इसी प्रकार क्यूब के आसपास की संख्या है, जैसे कि 63 है तो आपका 4 का क्यूब -1 है, वो स्पेशल है। इसी प्रकार ये प्राइम नंबर की स्पेशल सीरीज है। किस तरीके से, सबसे पहला प्राइम नंबर, विद्वान लोगों देखो इसको ढंग से देखिएगा, इतना मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से ये क्वेश्चन जो है वो होने वाला है। यहाँ पर ये पहला प्राइम नंबर होता है वो आपका कितना होता है, 2। तो उसमें से अगर मैं 1 घटा दूँ तो आपका कितना आ जाएगा,
एक आ जाएगा, दो के बाद में कितना आया तीन, तीन के बाद में कितना आया पांच, पांच के बाद में कितना सात, सात के बाद में ग्यारह, ग्यारह के बाद में कितना तेरह। सभी प्राइम नंबर, लगातार प्राइम नंबर में से एक एक जो है वो माइनस किया गया है। देखिए यहां पर तीन में से एक माइनस किया, पांच में से एक माइनस किया, सात में से एक, ग्यारह में से एक, तेरह में से आगे सत्रह, सत्रह माइनस एक आपका कितना हो जाएगा सोलह हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो सीरीज बनी है ये आपकी प्राइम नंबर माइनस वन की जो है वो कंटिन्यूअस सीरीज है। बताओ कितना कमाल का क्वेश्चन था, है ना। तो ये इसी तरीके के लॉजिक तो आपको बढ़िया बनाएंगे, औरों से बेहतर बनाएंगे। और इसका तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, यहाँ पे आके पढ़ना, देखो पढ़िए आप कहीं पर। मेरा ये मानना है कि अगर आपको रीजनिंग का कुछ भी नहीं पता ना, तो ये जो आपको कंप्लीट कोर्स अवेलेबल होगा ना, उसको एक बार अपने नोट्स बनाइए प्रॉपर, पूरा स्टडी कीजिए आराम के साथ में, आप मास्टर बन जाओगे रीजनिंग के। रीजनिंग आपको परेशान जो है वो बिल्कुल नहीं करने वाली है, लेकिन आपको उतना ही जो है वो इसके प्रति जो है वो अपना डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, जिस डेडिकेशन के साथ में मैं पढ़ा रहा हूँ कि यार बच्चा कोई भी देखेगा ना तो आराम के साथ में इन क्वेश्चंस को उड़ा पाएगा, अच्छे से डील कर पाएगा, तभी जो है वो मज़ा है। आगे बढ़ जाते हैं भाई साहब, आगे क्वेश्चन नंबर कितना है अपना, क्वेश्चन नंबर है 9। सर इसमें भी आप डिफरेंस क्यों लगाना चाहते हैं? मैं डिफरेंस लगाना चाहता हूँ इसमें। अब इसका रीजन आप सुन लो, क्योंकि देखो नंबर 380 है, तीन डिजिट की संख्या है ना, आगे भी तीन, 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 यार मल्टीप्लाई बाई टू भी करोगे ना 800 को तो 1600 से ऊपर हो गया, 1600 से तो ऑप्शन ही नहीं है, चार डिजिट में संख्या ही नहीं जा रही, तो इसका मतलब वो डिफरेंस आता है आपसे। यहाँ पर अपने को क्यूब वगैरह के लॉजिक जो है, हो सकता है कोई क्यूब का लॉजिक हो जाए, बट कितने क्यूब के लॉजिक, तीन का क्यूब ले लो, सॉरी सात का क्यूब ले लो, तीन डिजिट में हो गया, आठ का हो गया, नौ का हो गया, दस का तो क्यूब चार डिजिट में चला गया, चार ही संख्याओं में, अब यहाँ चार संख्या यहीं तक होगी, अब इनका क्या करोगे। तो मतलब हमें ओवरऑल जो है वो नंबर्स को देख के लॉजिक ये समझ में आया कि सर मैं यहाँ पर केवल डिफरेंस ट्राई करूँगा, इसके अलावा कुछ ट्राई नहीं करूँगा। तो यहाँ पर 380 है और यहाँ पर 465 है, अगर मैं 380 जो है वो यहाँ पर मैं माइनस कर दूँ ना विद्वान लोगों, तो यहाँ पे पाँच में से जीरो गया तो आपका बचेगा पाँच, 16 में से आठ चला जाएगा तो ये आपका कितना बनेगा 85। तो पहला डिफरेंस जो आया है वो आपका 85 का आया है। यहाँ पर जो है वो डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ पे 2 हो गया और 15 में से 6 गया तो 9, यानी कि आपका 92 का डिफरेंस हो गया, मतलब पहले 85 का डिफरेंस हुआ फिर 92 का डिफरेंस हुआ। हो सकता है बढ़ते हुए क्रम के अंदर हो, मतलब 7 बढ़े आगे 8 बढ़ जाए या 7-7 बढ़ जाए, कुछ इसी तरीके से हो सकता है। आगे देखो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 99 का है, पक्का सीधा पहचान सकते हो, क्योंकि 557 से 657 बनता, माइनस 1 आपका 99 हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे डिफरेंस अगर आप देखोगे ना तो ये आपका कितने का डिफरेंस बनेगा, 106 का डिफरेंस बनेगा, और ये जो डिफरेंस बनेगा ना वो आपका कितने का बन जाएगा, 113 का डिफरेंस बन जाएगा। क्या ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया क्या? बिल्कुल आ गया जी। कैसे आया कि 85 से 92 में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 7 का, यहाँ पर भी 7 का, यहाँ पर भी 7 बढ़े हैं, यहाँ पर भी 7 बढ़े, आगे भी कितने बढ़ जाएंगे 7, तो 113 में 7 जोड़े तो 120। अब 120 जो है वो आप इसमें ऐड कर दो, तो यानी कि 5, 9 और 9, यानी कि 1995 आपको कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन डी के अंदर, ऑप्शन डी को टिक कर दिया, उड़ा दिया क्वेश्चन, हो गया जी अपना काम। कह तो रहा हूँ सब आसान है, बस चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ जाते हैं, आगे अपने को क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर अपने को दिया गया 10। अब 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो अपन करते हैं। सबसे पहला काम तो देखिए, नंबर आपके सारे छोटे छोटे हैं, पास पास के नंबर हैं, सबसे पहला काम तो अपने को कहाँ आना है, डिफरेंस आना है। इतनी बार डिफरेंस का नाम ले दिया मैंने, अब तो हवा बन जाने चाहिए आप। चलिए जी यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं श्रीमान, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है वो भी माइनस 1 है, यहाँ पे माइनस 10 का डिफरेंस है, 53 और 8 जो हो जाते हैं वो 61 हो जाते हैं, यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 10 का है। श्रीमान देखो जी अपना काम तो बन रहा है, डिफरेंस ही समझ में आ रहा है, समझ में तो आ रहा है कैसे, 8 का डिफरेंस 10 का, 8 का 10 का, तो आगे किसका आएगा, अल्टरनेट 8 10 चल रहे, तो माइनस 8 करोगे 43 में से तो कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए, लेकिन भाई साहब 35 इज नॉट इन द ऑप्शन, अब क्या करें, यहाँ पर 35 आना चाहिए था। अब अपने को यहाँ पे लगेगा यार एग्ज़ाम में ना क्वेश्चन गड़बड़ है, या फिर यहाँ पे आपको ये लगेगा कि ऑप्शन गलत है, बट ये दोनों चीज़ें ही नहीं है, अपने को कुछ और करना पड़ेगा। डिफरेंस का डिफरेंस लोगे तो भी अपना समझ में नहीं आना, जब डिफरेंस का डिफरेंस भी नहीं समझ में आता है तो इसका मतलब हमें जो दी गई है वो सीरीज जो है वो आपकी क्या है, स्पेशल है,
स्पेशल में आप देखो क्या ये किसी के स्क्वायर हैं क्या नहीं, क्या किसी के ये क्यूब हैं क्या नहीं, तो क्या ये प्राइम नंबर हैं क्या, बिल्कुल प्राइम नंबर है। देखो यहाँ पर, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 43 के बाद में प्राइम नंबर जो आता है वो आपका कितना आता है, 47 आता है, 47 को छोड़ दिया, इसके बाद में 53 लिखा, 59 को छोड़ दिया, 61 लिख दिया, अच्छा जी, और इसके बाद में 67 छोड़ दिया, 71 लिख दिया, 73 छोड़ दिया, आपका आपका 79 लिख दिया। तो प्राइम नंबर की तो सीरीज है ये, बट ये अल्टरनेट जो है वो प्राइम की सीरीज है, मतलब एकांतर क्रम में लिखे गए, एक एक छोड़कर जो है वो आपके लिखे गए। तो यहाँ पर 43 से पहले वाला 41 आता है उसको छोड़ देगा, और 41 के बाद पहले वाला जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 37। 37 क्या ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन बी के अंदर है, ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा भाई साहब। अजी हो रहे ना, सब सब चीज़ें इसी तरीके से होंगी, अपना विश्वास अपना प्यार बना के रखें। और आपको पता ही है जिस एक बटन के लिए मैं जो आपको बार बार कहता हूँ, ये वाला काम करना ना भूलें। ये जितने लाइक्स होंगे ना वीडियोस पे, उतना मैं बेहतर कर पाऊँगा, मुझे लगेगा कि मेरा काम सराहा जा रहा है। और इंसान अपनी तारीफ तो जो है वो सुनना ही चाहता है ना, हालांकि हम इंडियन लोग हैं वो तारीफ को इतना कॉम्प्लीमेंट के रूप में ले नहीं पाते हैं। जब हमें कोई कहता है अरे आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, तब मेरे को अरे नहीं 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 सभी अच्छा पढ़ाते हैं, वो ओके, बट कहीं ना कहीं मन में ये ज़रूर रहता है कि हाँ अगर मेरा काम अगर अच्छा है तो उसको अप्रिसिएशन जो है वो मिले। क्योंकि किसी ने कहा था कि बनता हुआ शाहरुख खान किसी को पसंद नहीं आता, बट बना हुआ शाहरुख खान सबको अच्छा लगता है। तो अगर कोई स्टेज के अंदर है, अगर आप उसको थोड़ा कहीं ना कहीं आप सराहोगे उसके काम को, ये सब के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हर एक इंसान के लिए। आप जो अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हैं, अगर आपकी पीठ पर भी कोई थपथपाएगा तो आपको भी उतना ही अच्छा लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ जाते हैं 11 पे। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में नंबर तो छोटे हैं लेकिन इसके अंदर जो है वो एक खास बात है। अब क्या खास बात है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ से 2 से 1 नंबर क्या हुआ, कम। इसके बाद में 1 से 3 में नंबर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर 4 से बराबर हो गया, 9 बढ़ गया, 5 कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया। मतलब नंबर जब इस फॉर्म में चले, इस तरीके से बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, इस तरीके से फॉर्म में चले, तो वहाँ पर अपने को ऑल्टरनेट सीरीज जो है वो ट्राई करनी है। ऑल्टरनेट सीरीज का समझ गए आप? अब ऑल्टरनेट सीरीज जो है वो आप देखो, ऑल्टरनेट सीरीज दो टाइप से जो है वो आपको ट्राई कर सकते हो। या तो यहाँ पर डबल सीरीज आप ट्राई करो, या फिर आप कौन सी सीरीज ट्राई करो, ट्रिपल सीरीज जो है वो आप ट्राई करो। डबल सीरीज का मतलब क्या है कि हम जब 2 से 1 मिलाते हैं ना इस बार, तो अब 2 से क्या मिलाएंगे, अपन 3 मिलाएंगे, मतलब डबल सीरीज के अंदर बीच में एक नंबर छोड़ देते हैं, ठीक है ना, ये एकांतर क्रम। ट्रिपल सीरीज में क्या होता है, 2 से ना तो 1 मिलाएंगे ना ही 3 मिलाएंगे, मतलब आपका कितना मिलाएंगे, 4 मिलाएंगे। तो ये आपका ट्रिपल सीरीज हुआ है, और ये आपका कौन सा हुआ है, डबल सीरीज हुआ है। डबल सीरीज में बीच में एक नंबर छोड़ा जाता है, और ट्रिपल सीरीज में कितने नंबर छोड़े जाते हैं, 2 छोड़े जाते हैं। दोनों आप ट्राई कर लेना है, लेकिन ये कब ट्राई करना है, जब नंबर ऊपर नीचे इससे डांस वाली जो वेव होती है ना उसके रूप में होना, तब जाके अपने को ट्राई करना है, उससे पहले मत करना भाई साहब, है ना जी। ये तो पहचानने की, अब ये तरीके हैं, ये इसी तरीके से जो है वो अपने को देखना होता है। अब कोई ऑल्टरनेट सीरीज बनाएगा तो कुछ इसी तरीके से बनाएगा। तो अब बढ़ते हैं इसमें और लगाते हैं अपना दिमाग कि यार इसमें जो है वो क्या हो सकता है। और इतने इजी और स्मूथ तरीके से मैंने जो है वो इस वाले टॉपिक को आराम के साथ में जो है वो अपन ने उड़ा दिया है। यहाँ पे 2 से कहाँ गए, अपन 3 की तरफ गए, तो 2 से 3 में आपका 1 बढ़ गया, 3 से 4 1 बढ़ गया, 4 से 5 5 से 6, लेकिन 6 से 7 जो है वो यहाँ पर आता, बट इसके जस्ट आगे वाला पूछ लिया, मतलब हमारी दूसरी सीरीज से आएगा। 1 4 9 16 क्या समझ में आया, क्या स्पेशल है क्या, 1 4 9 और 16, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, आगे किसका आएगा, 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25, तो 25 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मान लो कि एग्जाम में आप 1 4 9 16 को नहीं समझ में आ रहा आपको, उस टाइम इसका डिफरेंस भी आप ले सकते थे। मैं क्या कह रहा हूँ कि डिफरेंस बहुत बड़ा लॉजिक होता है, अपने आप में लॉजिक बड़ा है, क्यों, क्योंकि आपका जो स्क्वायर होता है ना वो भी डिफरेंस की फॉर्म में होता है। कैसे, देखो 1 से 4 में कितने का डिफरेंस है, 3 का, यहाँ पे कितने का, 5 का, यहाँ पे कितने का, 7 का, 3 5 7 आगे कितना बढ़ेगा, 9 16 में 9 जोड़ोगे तो 25 आएगा, आंसर तो आपका 25 ही आना था। हाँ जी हो जाएगा। चलो फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अपने को क्या कहता है, अच्छा जी फिर क्वेश्चन वैसा का वैसा आपका, कैसा कि यहाँ पर डांस की फॉर्म में चल रही है काम, कैसे, ऊपर नीचे नंबर, देखिए 2 से 8 बढ़ गया, फिर कम, फिर बढ़ गया, फिर कम, फिर बढ़ गया, फिर कम, फिर बढ़ गया, मतलब
ऑल्टरनेट सीरीज लगानी है। अब ऑल्टरनेट सीरीज में या तो डबल सीरीज आप यूज कर सकते हो या आप क्या कर सकते हो ट्रिपल सीरीज। सबसे पहले अपन ट्राई क्या करेंगे, डबल सीरीज। अब ना ये क्वेश्चन ना कभी भी आप कॉपी में ना उतारो, जब आपको रफ सीट मिलेगी ये आपका सीधा स्क्रीन से देखे होने वाला क्वेश्चन है। इसमें ज्यादा कोई लॉजिक अपने को लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम के साथ में बहुत इजी वाले तरीके से ये हो जाएगा। यहां पर देखो दो से चार आपका दो बढ़ गए, यहां पे दो बढ़ गए, यहां पे दो बढ़ गए, आगे बढ़ा दो यार दो, तो चलिए दस आ गया। दस आपको कहां पर दिया गया, ऑप्शन डी के अंदर हो गया। अगर मान लो दस के आगे वाला पूछा जाता तो आठ और दो दस, दस और दो बारह, बारह दो चौदह, चौदह और दो कितने हो जाते हैं सोलह अगर पूछा जाता तो। लेकिन अपने को पूछा नहीं, यहां पर तो क्या पूछा, दस, दस का अपना किसमें दिया गया, ऑप्शन डी के अंदर, ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। हाँ जी, तो आराम के साथ में इजी इजी वाले तरीके से क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो अब इससे ज़्यादा अपने को चाहिए क्या। क्वेश्चन नंबर अपन आ जाते हैं 13 पर। बहुत बड़े जो है वो नंबर लिखे हैं, मतलब बड़े इन द सेंस कि बहुत सारे नंबर जो है वो आपके लिखे हुए हैं, लेकिन नंबर आप फिर देखोगे तो यहाँ पर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, या तो डबल सीरीज या आपकी कौन सी ट्रिपल सीरीज। सबसे पहले कौन सी लगाते हैं, डबल सीरीज लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर 9 से 1 माइनस 8 हुआ, यहाँ पर प्लस का 7 हुआ, प्लस का 5 हो गया, माइनस का 4 हो गया, प्लस का 6 हो गया। क्या समझ में आ रहा है, क्या कुछ अजीब सा जो है वो चल रहा है, डबल सीरीज लग ही नहीं रही। जब डबल सीरीज नहीं लगे तो अपने को कौन सी लगानी है, ट्रिपल सीरीज जो है वो अपने को लगा के देखनी है। अब ट्रिपल सीरीज यहाँ पर लगा के देखते हैं। चलो जी भाई साहब, ट्रिपल सीरीज अगर मैं लगाऊंगा तो क्या बनेगा, ये आप जो है वो आराम के साथ में जो है वो सोच लो। यहाँ पर ट्रिपल सीरीज में दो नंबर छोड़ने हैं, तो 9 और 2 कितने हो गए, 11 हो गए। अब 11 और 2 जो है वो आपके कितने हो गए, 13। 13 और 2 कितने हो गए, 15। अब 15 में 2 जोड़ोगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 17। 17 होंगे कि नहीं होंगे, तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। और 17 आपको किस में दिया गया, ऑप्शन डी के अंदर। देखो दो दो नंबर छोड़ के कर रहे हैं। कुछ और भी पूछा जाता तो हम उसी तरीके से बता सकते थे, 5 और 3 8 है, 8 और 4 12 है, 12 आपके मतलब यहाँ पे कितने बढ़ रहे हैं, 5 और 3 8 है, यहाँ पे 4 बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से जो है वो यहाँ पे आपके कितने बढ़ रहे हैं, वापस से 3 बढ़ रहे हैं, तो आगे वापस आपका 4 बढ़ रहे हो, कुछ इस तरीके से हो रहा हो। यहाँ पर 1 से 5 जो है वो 4 बढ़ रहे हैं, 5 और 4 आपके 9 हो रहे हैं, 9 और 4 13 हो रहे हैं, कुछ इस तरीके से। बट यहाँ पे 17 जो है वो सीधा ही आंसर आ गया, तो अपना काम बन गया। ठीक है जी, हाँ जी, तो फिर बढ़ जाते हैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, सीरीज पार्ट फर्स्ट का। क्या दिया गया, छोटे छोटे नंबर भाई साहब ले लो अपना डिफरेंस, और क्या होना है। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस अगर आप ट्राई करोगे तो 2 से 3 के बीच का डिफरेंस 1 है, यहाँ पे डिफरेंस है 9 का, यहाँ पे डिफरेंस है विद्वान लोगों 25, यहाँ पे 49। क्या ये डिफरेंस आपको समझ आ रहा है क्या, 1, 9, 25 और 49, क्या स्पेशल नंबर है, बिल्कुल है। किस किस के स्क्वायर है ये आप देख लीजिए, ये 1 का स्क्वायर, ये आपका 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ओड नंबर के स्क्वायर है, 1, 3, 5, 7, आगे किसके आएगा, 9 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 81। इसमें ऐड कर दोगे तो 167, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो विद्वान लोगों लास्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 15, स्क्रीन पोज करो, क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्योंकि ये बहुत कमाल का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर क्या दिया गया है, 8, 10, 15, 28, 57, डिफरेंस तो लेना ही लेना है। अब डिफरेंस लेते हैं किस तरीके से, कि यहाँ पे डिफरेंस बनेगा 2 का, यहाँ पे डिफरेंस बनेगा 5 का, यहाँ पे 13 का, और यहाँ पे 29 का डिफरेंस। क्या ये डिफरेंस आपको समझ आ रहा है क्या, 2, 5, 13, 29, कुछ खास है क्या, स्क्वायर नहीं, क्यूब नहीं, प्राइम नंबर, यस 2, 5, 13, 29 प्राइम नंबर है, लेकिन लगातार तो नहीं है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसी तरीके से होते हैं। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कितना ड्रॉप कर दिया, 1 प्राइम नंबर ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे 7 और 11 2 प्राइम नंबर ड्रॉप कर दिए, यहाँ पर 17, 19 और 23 यहाँ पे 3 प्राइम नंबर ड्रॉप कर दिए, तो आगे कितने करेगा, 4 कर दो भाई जी, 31, 37, 41, 43 तो जोड़ेंगे कितना, 47। इसमें जोड़ दोगे तो आपका कितना बनेगा, 104, जो कि आपको ऑप्शन ए के अंदर दिया गया, ऑप्शन ए को टिक करोगे अपना आंसर आ जाएगा। विद्वान लोगों बहुत मेहनत करी आपके लिए। हाँ जी, तो अभी भी जिस पोजीशन में आप बैठे हैं, अगर आप इस टाइम वीडियो देख रहे हैं, ये वाला बटन प्रेस करो और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करो, बहुत कमाल के कॉन्सेप्ट आपको बताए गए। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में सीरीज के, जहाँ पर हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर, क्यूब और लेटर सीरीज। तो विद्वान लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।